शेतमाल एपीएमसीतून वगळून नियंत्रण मुक्त करण्याचे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले आहे. त्या विरोधात व्यापारी संघटनांनी पावले उचलत मंगळवारी बेमुदत बंदचा निर्धार केला असून त्यामुळे एपीएमसीचे संपूर्ण कामकाज ठप्प राहणार आहे. दररोज कोटींची उलाढाल एपीएमसीतून होत असते, अशात व्यापारी बंद पुकारणार असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम जीवनावश्यक वस्तू व शेतमालावर होणार यात दुमत नाही. या बंदचा प्रभाव बघता महागाई नव्याने उद्भवणार असल्याचे संकेत किरकोळ व्यापारी वर्गाने दिले आहे. जिथे सध्या किरकोळ बाजारात भाज्यांचे दर दुपटीने वाढले असून महागाई भीषण रूप धारण करेल अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. रिटेल के दाम पे अभी जो रमजान चल रहा था तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन अभी मालूम पड़ा दलाल लोग का और कमीशन के बारे में खेती वाले से लफड़ा हो रहा है, तो इसकी वजह से डबल तिबल हो गया. एक दिन में जो भाजी यही फल का दाम था उसका डबल कर दिए हैं. सेब का 160 चल रहा था, 240 रेट में हर फल का डबल कर दिए हैं. आज बढ़ोतरी तो डबल हुई है जितने हर चीज़ में. क्या कारण है? कारण मार्केट बंद रहता है और कारण बेविद्युत बंद है 4-5 दिन, इसी कारण मार्केट में भाजी नहीं आई तो इधर महंगाई होगी बढ़ेगी. पब्लिक डिमांड वही सस्ता गया और क्या, कब तक अपना जब तक आएगा नहीं मार्केट चालू होगा नहीं तब तक. सब भाजी भी जो मौसम है तुरिया हुआ है, सब मौसम जो है चीज़ है सब महंगा आई है. दो मौसम का सब चीज़ मौसमी है लेकिन आई नहीं रही है. भाज्यांचे दर गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांचे बजेट पुरते कोलमडले आहे. मार्केट में भाजी का हम लोग को बहुत चाहिए, लेकिन इधर आने में हम लोग को परवट नहीं, बहुत महंगा भी है और रिक्शा में आना जाने में तो भी महंगा पड़ेगा और बारिश में इधर ये जगह भी बहुत खतरनाक है. महंगाई तो बहुत है, महंगाई में खाने का कैसा. अभी खाने वाले लोग तो खाना पड़ता है ना, महंगाई तो लाना तो पड़ता है. टमाटर अभी 60-70 रुपये. वीडियो जर्नलिस्ट मूसा सुरेश भगत सह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट.